ये वॉशिंग मशीन हमने अभी कबाड़े से उठाया है और आप देख सकते हो इसकी हालत कैसी है। इसके अंदर हमारा ड्रम नहीं है, ड्रायर वाला ड्रम नहीं है। ये गियर बक्सा तो है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो ये हमारा टाइमर का भी पोजीशन क्या है ऊपर का, ये जो उठता है ये देख सकते हो आप। इसके अंदर दो टाइमर है हमारे पास, एक तो ड्रायर का टाइमर है और वॉशिंग का टाइमर है, बाकी बीच का सिलेक्टर गायब है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास मोटर नहीं है, दोनों में से कोई सा भी मोटर नहीं है, ना तो ड्रायर मोटर है नहीं वॉशर मोटर है, बस गियर बक्सा है हमारे पास यहाँ पर, और बेल्ट भी नहीं है गियर बक्से का तो, और कैपेसिटर भी नहीं। तो आज हम इस वॉशिंग मशीन को जिंदा करने वाले हैं, इस लास्ट वॉशिंग मशीन को आज हम जिंदा करने वाले हैं। और आप देख सकते हो इसको किस तरीके से हम इसके अंदर जान फूकेंगे, सब कुछ इसका हम बदलने वाले हैं। इसके अंदर जो चीज़ नहीं है वो चीज़ लगाएंगे, और जो चीज़ हम देखेंगे चलने वाली है उसे चलने देंगे। टाइमर मैंने चेक कर लिया है, इसका टाइमर चल जाएगा, दोनों टाइमर ठीक है, गियर बक्सा भी हमारा ठीक है। मतलब जो इसके बॉडी हिल डुल रहे उसको ठीक करना है, और इसके अंदर नई मशीन जो हमारा मोटर है नया लगाना है। तो नया मोटर लगाने के लिए गाइस सबसे पहले हम इसको सबसे अलग यहाँ से बीच से अलग कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पे इस कोने में स्क्रू लगा होगा और एक उस अपोजिट डायरेक्शन में भी इसके स्क्रू लगे होंगे। तो इस स्क्रू को सबसे पहले हमें खोल के इस बॉडी को अलग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अलग करते हैं। तो हमने इसके सारे स्क्रू खोल दिए हैं, कुछ स्क्रू हमारे से खुले भी हैं और कुछ हमने इसको काट के हटाया है, जैसा कि आपने बताया था। अब ये हमारा बॉडी अलग हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर मोटर लगाऊंगा, जो हमारा ड्रायर मोटर है गाइस, मैं इसके ऊपर ये ड्रायर मोटर लगा देता हूँ। ये ड्रायर मोटर मैं नया मार्केट से लेके आया हूँ, और इसके ऊपर हमने ये पन्नी इसलिए लगाई है ताकि अगर हमारा सील कभी फ्यूचर में लीक भी हो तो हमारा मोटर ख़राब नहीं हो। फिलहाल तो मैं उसका सील बदलूंगा, लेकिन ये फ्यूचर के लिए हमने लगा दिया, क्योंकि अधिकतर मोटरों का सील का ही प्रॉब्लम आता है, तो हमने इसलिए इसको लगा दिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पे वॉशर मोटर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास वॉशर मोटर, नया मोटर हम लेके आए मार्केट से अभी, और ये उसके ऊपर का पुल्ली है। तो ये पुल्ली मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, तो वही मैंने लगा दिया है, और उसके साथ ये रबर आता है। वह गाइस आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी दुकान पे जहाँ से आपने ये मोटर लिया वहाँ पे आपको ये रबर मिल जाएगा। इस रबर को हमेशा वॉशर मोटर के नीचे लगाया जाता है, जैसे कि हमने ड्रायर मोटर के नीचे हमने स्प्रिंग शॉकर डाला, ठीक उसी तरीके से ये शॉकर की तरह ही काम करता है। तो ये ज़रूर लगाएं, अगर ये नहीं लगाओगे तो आपका वॉशिंग मशीन का बॉडी टूट जाएगा। तो हमने ये तीनों रबर लगा दिए इसके तीनों पाँव पे, और अब हम इसे डाल देना है। तो गाइस अब हमारे दोनों मोटर लग चुके हैं, और आप देख सकते हो ये हमारा ड्रायर मोटर है जिससे हमारा कपड़ा सूखेगा, वो हमारा वॉशर मोटर है जो हमारा कपड़ा धोता है। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, अब हम इसके ऊपर बॉडी लगाते हैं गाइस, और बॉडी लगाने के बाद ये हमारी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी बॉडी लगाते हैं। तो ये हमारी बॉडी फिक्स हो चुकी है, अब जितने भी स्क्रू हमने खोले थे उन सभी स्क्रू को हम लगा देते हैं।
हमारी अब वायरिंग आ गई है टाइमर की। तो गाइस ये तीन वायर हमारे वॉशर वाले मोटर के में लगेंगे, वोटर वाले टाइमर का, ये दो वायर हमारे ड्रायर वाले का है। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखा है, पहले ये जो ब्लू वाला वायर है ये हमारा मेन फेस आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। मेन फेस जो आएगा हमारा इसको साइड कर लेते हैं। उसके बाद एक हमारा डार्क रेड और एक येलो है, तो इसे हम मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा ड्रायर वॉशर मोटर का वायर है ये वाला। तो वॉशर मोटर में हमारे पास तीन वायर है, यहाँ पर इन दोनों रेड को हम अलग कर लेते हैं और एक ये डार्क रेड, तीन वायर है ध्यान देना आप, तीन हमारे एक ब्लैक है दो रेड है। तो ये दोनों रेड हमारे टाइमर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जो ब्लैक वाला है हम उसे न्यूट्रल दे देंगे। तो डार्क रेड और येलो को हम का जो हमारा टाइमर का वायर था उसे हमने मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया। मोटर का हमारा एक वायर रह गया ब्लैक वाला, इसे हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। इसी के साथ हमारा कैपेसिटर का वायर भी जॉइंट हो जाएगा। तो कैपेसिटर का हमारे पास चार तार वाला कैपेसिटर है, इसी में हमारा ड्रायर का भी कैपेसिटर है और वॉशर का भी। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं हमने इसी वायर में कैपेसिटर को भी जॉइंट कर दिया और अब हम इसे टेप लगा देते हैं। तो ये हमारा वॉशर मोटर का तो काम हो गया, यहाँ पे वॉशर मोटर में बस अब हमें न्यूट्रल देना है और अब हम इसी के साथ इसके ड्रायर मोटर की भी कनेक्शन कर लेते हैं और ड्रायर मोटर और वॉशर मोटर दोनों को एक ही साथ न्यूट्रल दे देंगे। तो ये ड्रायर मोटर में भी हमारे पास एक ब्लैक कलर का है, इसे हम न्यूट्रल दे देंगे और बाकी एक वाइट है एक ग्रे है, तो हम इसे कैपेसिटर के साथ लगा देते हैं। कैपेसिटर का वायर चूहों ने कट कर रखा था तो हमने कैपेसिटर के वायर को भी नहीं बदला, कैपेसिटर भी नहीं बदला है। तो ये हमारा ड्रायर मोटर का भी हमने वायरिंग कंप्लीट कर दिया है, ड्रायर मोटर को भी हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब हम इन दोनों वायर मोटर को न्यूट्रल दे देते हैं और टाइमर को फेस। तो ये वायर है हमारे पास गाइज न्यूट्रल के लिए और फेस के लिए भी। तो हमने यहाँ न्यूट्रल दोनों मोटर का न्यूट्रल जॉइंट कर दिया है और इसको टेप लगा देते हैं और अब हम फेस लगा देते हैं अपने टाइमर को। टाइमर हम का हमारा ब्लू कलर का वायर है जो कि फेस में लगेगा, तो ये ब्लू कलर वायर है, हम इसे फेस से अटैच कर देते हैं। और एक हमारा ये वाला वायर भी फेस में लगेगा, हम इसे भी अटैच कर लेते हैं और इसे टेप मार देते हैं। वॉशिंग मशीन को हमने पूरी तरीके से ओके कर दिया है, अब मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। तो ये हमारा वॉशर मोटर चल गया है, आप देख सकते हो अब ये क्लॉकवाइज चल रहा है और अब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा हमारा मोटर, तो इसमें आसानी से हम कपड़ा धो सकते हैं। अब मैं एक बार आपको दिखा दूँ हमारा जो ड्रायर मोटर है हमारा जो कपड़ा सुखाएगा, तो गाइस वो भी इस तरीके से हमारा मोटर चल रहा है। इसके अंदर मैंने ब्रेक नहीं लगाया है, डायरेक्ट ये ऑन है, डायरेक्ट ऑफ होगा अपने टाइमर के हिसाब से। तो अब देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से ओके कर दिया है। अब हम इसे आसानी से साल भर एक साल दो साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पहले क्या हालत थी गाइस और अब क्या हालत है आप देख सकते हो।